हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, खैरियत, मज़े में? तो जी गाइस, एक नए ब्लॉग की शुरुआत एक नए दिन के साथ में। अभी फिलहाल बज रहे दोपहर के 3, बहुत लेट शुरुआत हुई दिन की क्योंकि हम लेट उठे थे एज यूजल। सुबह 4 बजे तक हमने दृश्यम 2 देखी, बहुत ही अच्छी मूवी है, सुपरहिट मूवी था। अभी मुझे पता चला इस मूवी के तो शोज़ क्यों हुए गए और सर्कस और जो नई मूवीज आई उनके क्यों जल्दी इतने शोज़ नहीं है, क्योंकि इस मूवी में एक स्टोरी है कि बंदा, अगर आप थिएटर में बैठे हो या घर पर बैठे हो, आप स्क्रीन से जहाँ पे मूवी चल रही है उससे अपनी नज़र हटा नहीं सकते, क्योंकि प्लॉट हर सीन पे प्लॉट बदल रहा है, हर सीन पे एक थियरी आ रही है, वैसा कुछ है। तो बहुत बढ़िया मूवी थी। तो कल 4 बजे तक वो देखा हमने, और पीछे गाड़ी में बहुत सत्यानाश हो रखा है क्योंकि दिव्यांश की व्हील चेयर पीछे दिख रहा है, ये रही व्हील चेयर दिव्यांश की, तो यहाँ पे हो रहा था वो हमने यहाँ रखा है। और कपड़े वपड़े थोड़े बहुत यहाँ पड़े हैं जो कि अभी लेने जाने हैं, मतलब थोड़ा बहुत उनको अल्टर वगैरह कराना है, थोड़ा बहुत जो घर में शादी आ रही है उसको उसके कपड़े लेने जाना है, ऑल्टर कराने दे रखे वो चीज़। और इस भाई के भी कपड़े लेने जाने हैं, पर ये भाई का क्या है जो सीन है ना इस भाई का, मैं बता दूँ, ये पैर दिख रहा है आपको, ये पैर। तो चलिए इस खूबसूरत ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और चलते हैं फटाफट, सारे काम निपटाते हैं और जल्दी आबू जाने टाइम आगे इस कारण से, तो फटाफट निभाते सबका टाइम। तो गाइस देखिए दिव्यांश देसाई को आराम से गाड़ी में सो रहे हैं और हम लोग वेट कर रहे हैं मम्मा का, वो कुछ काम से गए हैं, तो जो एक रूट होता है ना उस रूट में हम लोग हैं सब काम निपटाते हुए। और ये भाई साहब जिद करके आए तो सही साथ में और अब सो रहे इधर। इसको मैंने बोला था घर पे बैठ, आईपैड देख, मस्त बैठ के वाईफाई है, प्ले स्टेशन खेल, पर नहीं, भाई साहब को घूमने आना था। भाई साहब कैसी लग रही नींद? भाई दुख रहा है, पैर मत करो, पैर दुख रहा है तो मैं तो यहाँ हाथ कर रहा हूँ, तो पैर कैसे दुख रहा है? सोने दो ना यार, कोई सेंस है इस बात की? पैर की नस तो यहाँ की नस कनेक्टेड है क्या गले की, बता ना, जनता वांट्स टू नो। दिव्यांश जनता वांट्स टू नो, क्या इधर की नस और पैर की नस एक होती है क्या? औकात ही नहीं है सर, बता ना, सुन तो सही, बता ना। तो जी हाँ, उसके बाद बिल्कुल टाइम नहीं मिला। और सबसे बड़ी चीज़, जहाँ पे पेमेंट वगैरह सब कुछ हो गया था, ट्रायल फिक्स होना था जोधपुरी सूट का, वहाँ पे बहुत बड़ी ब्लंडर हो गया है, मतलब यानी कि मेरी जो ऊपर का टॉप कोट है वो कुछ 40 का था और उनकी जो पैंट आ रही है वो 35 की आ रही है ना, 5 इंच छोटी मुझसे, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये पहला जोधपुरी ट्राई कर रहा हूँ मैं, लेट्स सी कैसे चलता है ये। तो गाइस ये है कुछ जोधपुरी जो मैं ट्राई कर रहा हूँ फिलहाल, पहले तो ब्लैक का मन गया था पर ये एकदम से इस पर नज़र गई, तो ये कुछ है, इसमें वाइट पैंट का ऑप्शन था पर वाइट पैंट बहुत ही भद्दा लग रहा था मुझ पर, तो मैंने ये सोचा कि भैया ये वाला कैसा लग रहा है कॉम्बिनेशन। और मेरा डिज़ाइनर पीछे बैठा है, मेरा डिज़ाइनर पीछे बैठा है इधर, ऐसा है फिलहाल, लेट्स सी कैसा कुछ लगता है। बाकी दूसरे कलेक्शन में देखते हैं, वरना लास्ट में ब्लू और ब्लैक तो एवरग्रीन है ही। ये अभी कुछ ट्राई किया है, ठीक है, साइज़ ये एक ही है बट इसमें नया बन जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ है, देखो हाथ निकल नहीं रहा, ऐसा लग रहा हूँ अंडरटेकर लग रहा हूँ पूरा मैं, ऐसा लग रहा है। तो जी हाँ गाइस, हम वापस से आ गए हैं अल्फा वन मॉल में, ये फर्स्ट भी नहीं आएगी, तो अल्फा वन मॉल में वापस आ गए हैं जहाँ पर हम लोग सूट देखने गए थे, वहाँ देखने गए, वहाँ पर भी मेरा संजोग बैठा नहीं, मेरे को समझ नहीं रहा है भगवान ने मेरे को अकेला अलग बनाया है या भगवान ने टेलर्स के दिमाग में कुछ भूसा भर दिया है, क्योंकि भाई 40 का ऊपर का कोट और 35 का पैंट, हाउ इज़ इट पॉसिबल, मतलब कि 35 की वेस्ट में बंदा हाइट वेट कुछ तो होगा ना, तो ऐसा कुछ है। तो फिलहाल जा रहे हैं लिफ्ट में और हमारे छोटे भाई को भी आज लेकर आए हैं क्योंकि बहुत दिनों से बहुत अंदर था उस कारण से। चलो अंदर बेटा दिव्यांश। ओके दिव्यांश, स्किट खा रही थी गाड़ी, तो क्या बोलता है भाई की ड्राइविंग, तो क्या बोलेगा? गंदी, फर्स्ट फ्लोर, हाँ गंदी। इज्जत ही नहीं है। तो जी हाँ गाइस, फाइनली जोधपुरी परफेक्ट साइज की, परफेक्ट सब कुछ, यानी पैंट परफेक्ट, ऊपर कोट परफेक्ट, अंदर का शर्ट परफेक्ट, फिटिंग वाला मिल चुका है, तो ये चीज़ हमने फाइनल कर दी है। फिलहाल हम लोग है ब्लैकबेरी अहमदाबाद वन मॉल में, नेक्सस अहमदाबाद वन मॉल बोलते हैं,
तो उसमें है और ये चीज़ फाइनल हो गई है, पेमेंट वगैरह सब कुछ हो गया है और बस अब इसको खाली चेंज करना था कि थोड़ा बहुत ऑल्ट्रेशन बाकी पेंट का, क्योंकि बहुत लंबा है नीचे, इतनी हाइट रही भी नहीं अपनी, तो ऐसा कुछ है। तो फिलहाल ये फाइनल हो गया है, थैंक गॉड मिल गया आखिरकार। तो जी हाँ गाइज, ऑर्डर देने के बाद में उसका सूट का बहुत मुश्किल से मिला है और मतलब पूरा परेशान हो गया, मतलब मैं क्या बोलूँ आपको, किया ना यार, दोपहर में 2:30 बजे हम लोग फिटिंग ट्रायल के उसमें थे, पर फाइनली जाके अब हुआ है और फाइनली ब्लैकबेरी में ही मुझे मिल गया जो मुझे जो जोधपुरी सूट चाहिए था। बट थोड़ा मटेरियल जो जेड ब्लू में था वो काफ़ी रिच मटेरियल था, मतलब थोड़ा लग रहा था कि पहनने में वो है, पर येलो मटेरियल भी अच्छा है, शाइनी मटेरियल है, काफ़ी अच्छा है, परफेक्ट फॉर वेडिंग एंड परफेक्ट फॉर मेरे आगे फ्यूचर प्लान्स जो भी होंगे या फ्यूचर इवेंट्स जो भी आएंगे उस चीज़ के लिए। तो ऐसा कुछ है फिलहाल। तो फिलहाल हमारे घेटू भाई ने, हमारा घेटू भाई जो है ना, ठीक है, उनके उनको भूख लगी है क्योंकि ना मैंने कुछ खाया है, ना मम्मा ने कुछ खाया है, ना दिव्यांश ने कुछ खाया है। सुबह से 2 बजे घर पर निकले तो उसके बाद कुछ भी नहीं खाया हमने, तो हमने कुछ खा लेते। तो अभी फिलहाल अल्फा वन के ऊपर जो फूड कोर्ट है वहाँ पर आए और हमने ऑर्डर किया है चाइनीज सिज़लर और दिव्यांश ने पास्ता ऑर्डर किया है एज़ यूजुअल। तो ऐसा कुछ है, तो फिलहाल वेट कर रहे हैं उस ऑर्डर का और जैसे ही आता है वैसे ही आप लोग वो बताते हैं। तो गाइस ये है दिव्यांश का ओरियो शेक और ये रेड सॉस पास्ता, ये स्प्राइट खाली मेरी है। आलो टूट पड़ो अटैक। तो बस गाइस फिलहाल फ्राइज़ वहाँ पे हो रही है, फ्राइज़ बन रही है और सिज़लर तैयार है, खाली मेरे ख्याल 30 से 35 सेकेंड और लगेंगे। और सिज़लर जैसे आता है वैसे मैं आपको बताता हूँ, वैसे ये जो है ये काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है, कैफ़े बॉलीवुड करके अल्फ़ा वन में है, ये अल्फ़ा वन में है 3rd फ्लोर पे फूड कोर्ट में, काफ़ी अच्छा है, मैं हमेशा यहीं से सिज़लर वगैरह चेंज करता हूँ, मैं यहीं से ही जाता हूँ। तो ऐसा कुछ है, फिलहाल वेट करें सिज़लर का। तो ये आ गया है अपना सिज़लर और है इटालियन सिज़लर, बाकी डिटेल आपको मैं टेबल पे आके बताता हूँ, फिलहाल चल रहे हैं टेबल पे।